हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ग्रामीण क्षेत्र एवं कृषि कुओं पर हो रही अघोषित विद्युत कटौती को लेकर विधानसभा के भाजपाइयों ने दिया ज्ञापन। पूरे प्रदेश एवं जालौर जिले सहित रानीवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र एवं कृषि कुओं पर पिछले कई दिनों से की जा रही अघोषित विद्युत कटौती को लेकर विधानसभा क्षेत्र रानीवाड़ा के भाजपाइयों ने विधायक एवं भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष नारायण सिंह देवत एवं जालौर जिला अध्यक्ष श्रवण सिंह राव के नेतृत्व में राज्यपाल के नाम रानीवाड़ा उपखंड अधिकारी प्रकाश चंद्र अग्रवाल को ज्ञापन दिया। देवल ने राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी ने 2018 के विधानसभा चुनाव में अपने जन घोषणा पत्र में जनता से वादा किया था कि 24 घंटे बिजली देंगे। किसानों से वादा किया था कि कृषि कार्य के लिए 8 घंटे नियमित बिजली देंगे, कृषि कार्य के लिए दिन में बिजली देंगे। मुख्यमंत्री ने इस बार बजट में कुछ यूनिट तक फ्री बिजली देने की भी घोषणा की थी, लेकिन आज बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि दिन में बिजली देना और फ्री बिजली देना तो दूर की बात है। ये सरकार तो बिजली ही नहीं दे पा रही है। जब बिजली आएगी ही नहीं तो फ्री कैसे और किसको देंगे। आज ये हालात है कि गांव में किसानों को कृषि कार्य के लिए केवल 2 घंटे बिजली मिल रही है, उस 2 घंटे में भी 10-12 बार ट्रिपिंग हो रही है। सिंगल फेज घरेलू उपभोक्ताओं को केवल 5 घंटे बिजली मिल रही है। जालौर जिले में अभी तापमान का पारा 43 से 44 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है। ऐसी भीषण गर्मी में जनता को बिजली नहीं मिल रही है। बच्चों के बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं, रात में बिजली नहीं आने के कारण पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। थ्री फेज बिजली में भी कटौती की जा रही है, जिससे उद्योगों एवं व्यापार पर भी असर पड़ रहा है। उद्यमी और व्यापारी परेशान हो रहे हैं। आने वाले दिनों में प्रदेश में बिजली संकट और गहराने की आशंका है। जिलाध्यक्ष राव ने कहा कि ये सरकार और इसके मंत्री विधायक तो 5-स्टार होटलों में ऐश आराम करते हैं, उनको जनता गरीब किसान और मजदूर की पीड़ा से क्या लेना देना। हमने इस सरकार की दृष्टिकरण की राजनीति को भी देखा है। बिजली सप्लाई में भी ये लोग दृष्टिकरण करते हैं। एक समुदाय विशेष को लेकर बकायदा आदेश जारी किया जाता है जो कांग्रेस की हिंदू विरोधी सोच को दर्शाता है, लेकिन प्रदेश और जालौर की जनता ने मन बना लिया है कि अब की बार इनको जमीन दिखाकर ही मानेंगे। इस दौरान जिला महामंत्री हरीश चंद्र राणावत, जिला उपाध्यक्ष मंजीराम चौधरी, जिला मंत्री डॉक्टर शीला विशोई, जिला उपाध्यक्ष एससी मोर्चा तगाराम जी नगर, पूर्व सरपंच कांतिलाल पुरोहित रोड़ा, रानीवाड़ा मंडल अध्यक्ष रिडमल सिंह डाबी, बड़गांव मंडल अध्यक्ष बाबूलाल पुरोहित, सांकड़ मंडल अध्यक्ष अमृतलाल चौधरी, करड़ा मंडल अध्यक्ष तुसला राम मांझू, जसवंतपुरा मंडल अध्यक्ष दौलत सिंह कलापुरा, करड़ा मंडल उपाध्यक्ष कृष्णा राम झा, रानीवाड़ा मंडल महामंत्री गोविंद रावल, महेंद्र सिंह मैत्रीवाड़ा, मुकेश खंडेलवाल, भरत सिंह राव, रमेश मेघवाल, धनपुरा किसान मोर्चा रामलाल पुरोहित, एसटी मोर्चा मंडल अध्यक्ष जबराराम भील, बाबूलाल मेघवाल, कालाराम कोली, भवरदान लूनिया सर, रघुनाथ झीनगरपुर, मफा राम चौधरी, सोनाराम चौधरी, दिनेश गर्ग सहित बड़ी संख्या में भाजपाई उपस्थित थे। जागरूक टीवी के रानीवाड़ा से विद्या मदन माहेश्वरी की रिपोर्ट।